दिन उसको एडमिट करे, लेकर आए हम चेकअप के लिए, मैं भी आया था साथ। तो नहीं, उसको उसी दिन से ये लोग लापरवाही कर रहे। 27-28 के दिन ऑपरेशन करेंगे बोले तो मॉर्निंग बोलना तो ना कि इसको खाना देना या लंच देना नहीं देना, कुछ भी नहीं बोले। तो दोपहर में खाना है ना, तो एज इट इज उनको भूख लग रही है, उन्होंने खा लिए। तो कहे कि कहीं कूदिए, बोलते मैं पूछा भी क्यों, आप बोलना ना, बोलते नहीं हम नहीं बोलते, तुम पूछना था। तो फिर वैसा भी सीरियस में उसको ऑपरेशन कर दिया, हमारे सेना लिए, सब ठीक है, सब नॉर्मल हो गया। मैं 31 कल के दिन, फर्स्ट के दिन मैं बोला कि मैं पूरे बिल्स पे कर दिया, अभी तक 40,000 के ऊपर पे कर दिया, लेकिन मैं लेके जाता, बोले तो नहीं नहीं अभी से डिस्चार्ज नहीं करते, वो ग्लोबल का रिपोर्ट आना है। वो रिपोर्ट भी मैं कल दोपहर में बैठ के रिपोर्ट लेकर आया। लेकर आने के बाद डॉक्टर को बताया कि इसका रिपोर्ट भी आ गया, मैं अभी लेके जाता। एकदम एक्टिव बच्ची थी वो, लेके जाता, बोलते नहीं नहीं इपड़े इमो तरवा इस्तमु रेप एल्लुंडी इस्तमु इनका इंजेक्शन याले आदि याले बोल के उन्होंने वहीं रखे। पूरे बिल तो पे कर लिए, कल एक ही जना रहना, बोलते उसकी मदर, मेरे सिस्टर परसों के दिन उसको पेन आ रहा बोले तो दोपहर में बोले कि पेन आ रहा बोले तो कोई डॉक्टर नहीं देखा, कोई नर्स आके नहीं देखा। फिर कह कल अभी सुबह मॉर्निंग कह फोन उनके मदर भी जाके बोले कि इनको पेन आ रहा बोल रहे, फिर उन्होंने उठे नहीं, जरा देखो आके बच्ची को दूध पिलाए, उसके बाद पेन बहुत हो रहा बोल रहे। तो भी एक डॉक्टर एक सिस्टर भी आके चेक नहीं करे कल से आज तक। इमिडिएटली फिर अम्मा को फोन, हम घर पे ही थे, अम्मा को फोन करके बोल दे रहे कि आईसीयू में लेके चले गए, अब कुछ भी नहीं है, उन्होंने डेड हो गया ऐसा बोलते। तो टोटली जो इसका ही निग्लिजेंसी है हॉस्पिटल का, तो विजय मेरी हॉस्पिटल खैरताबाद। अभी शुरू से बता रहे थे आप? हम शुरू से यही बता रहे, हम ऐसा बोले तो फिर नजदीक वहाँ पुराना फूल भी लेके जाते थे, अच्छा है बोल के लेके आए, तो ये लोग बहुत निग्लिजेंसी कर दिए। हम कुछ करने से पहले वही लोग पुलिस वालों को बुला लिए सब, मैं 100 डायल करा इमीडिएटली, इसीलिए वो लोग कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। अभी भी बच्चे को सुबह से माँ का डेथ हो गया, बच्चे को दूध के लिए, 4 दिन की बच्ची है, दूध पिलाओ बोले तो भी उन्होंने उसको बोल रहे, ये रिसाइकलिंग कर रहा, लेकिन कोई उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अब कंप्लेन करें आप? मैं इमीडिएटली पुलिस को कंप्लेन कर दिया। जब तबीयत बच्ची की जब खराब हो रही थी तो डॉक्टर थे या नर्सा थे अवेलेबल? लेडीज से हम आपको रहने नहीं दिए, लेडीज ही रहना, जेंट्स नहीं रहना बोल के बाहर ढकल दे रहा सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा। तो हम नहीं थे कल, तो लेडीज थे, मेरे सिस्टर थे सुशीला, उन्होंने थे, जब भी उसको चेस्ट में पेन आ रहा बोले तो उन्होंने जाके इमीडिएटली सिस्टर को सामने अपोजिट ही रूम है, उसके वार्ड के अपोजिट उनका रूम है, नर्स का रूम, तो उनको बोले तो उन्होंने जाके वॉक करो, सोने से नहीं होता, होते रहता हो, चलो जाओ ऐसा बोल के झिटकी दे दे रहे। रिस्पॉन्स ले रहे हैं ना खाली पैसों के लिए, आईसीयू में ऑपरेशन थिएटर में से बच्चे को बाहर नहीं दिखाए जब तक तुम बिल बन के नहीं आते बोल के। फिर आईसीयू में से मम्मी उसके बच्चे के मदर को रखे तो उसको भी बाहर निकालने के लिए कंपलसरी पैसे बनना। आप चाहे तो मैं जाके रिक्वेस्ट भी करा, अभी रात के टाइम जब 9:30 बज रहे थे, मैं बोला अभी इनको आईसीयू में से शिफ्ट करते बोले, लेकिन नहीं पहले पैसे बांधो जब शिफ्ट करते, नहीं तो नहीं करते, जाओ ऐसा बोल। अब कंप्लेन करें आप? मैं कर दिया कंप्लेन। डेड बॉडी का एसीपी साहब सब आए थे, अभी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ये लोग भी पहले उस्माने को जाने दो, पोस्टमार्टम के बाद ये करेंगे। विजय मेरी हॉस्पिटल सोनावटल के रहने वाले, हम गुरुवार को लाए, बुधवार को ही लाए तो उन्होंने बोले एडमिट हो जाओ बोले, ये विजय मेडिकल लाए। फिर गुरुवार को दोपहर में ऑपरेशन करे, ऑपरेशन करके बच्ची को जरा वीक है, सांस लेने नहीं आ रहा छोटी बच्चे को बोल के उसमें रखे बॉक्स में, इनको दे दिए 8 घंटे के बाद। फिर अच्छे से कल डिस्चार्ज कर दिए उनको, डिस्चार्ज करके बाजू रखे शिफ्ट के लिए बोल, शिफ्ट बाजू दूसरा रूम है ना उसमें 5 दिन हो गया ना इसमें रहो बोल के इसमें करे, बच्ची को डिस्चार्ज नहीं करे, बच्ची के वास्ते रहना पड़ता बोले। तो कल छाते में दर्द दे रहा तो मैं बोली उनको आके, तो कोई भी नहीं सुने, कुछ भी नहीं होता, उठ के टाइलो बोलो उनको, डॉक्टर ने सिस्टर ने, मैं बार बार गई उसको छाते में दर्द दे रहा बोलता, सोए तो दर्द देता, उठ के टाइलो बोलो बोले। फिर मैं रात को घर को गई, रहने नहीं दे रहे उनकी मम्मी थे घर नजदीक, बोले ना हाँ सुबह उन्होंने भी बोले कहते बच्ची छाती में दर्द दे रहा उनके, तो भी जब भी कोई भी आ रहे नहीं देखते भी नहीं, वरना दूसरे को रहने दे दे डॉक्टर आ रहो कुछ भी रहो झिड़कियां दे दे रहे बस,
यही बताए पूरे रिपोर्टा निकाले सब अच्छा है बोले परसों पैसे बांध भी बोले इतने पैसे जब का जो बिल बना ले रहे संगाती एक मिनट भी नहीं रख रहे बिल बनते गए हम बनते गए फिर उसको कल बोले तो कह की कल उन देखिस नहीं एक जनों को भी बोले तो कान पे भी नहीं लेते वो लोग जाओ करते आते जाओ बोल के न बेडशीट बदलते नहीं न कुछ नहीं वहाँ के तक गंदगी है पूरा कल बोली भी मैं पेशेंट का बेडशीट भी बदल रहे नहीं आए जब से वही बेडशीट है बोल के नहीं मार दिए बहू को मेरे को बहू को नहीं मार दिए कल बोली देखे तो नहीं होता था हाँ कल उसको बोली भी मैं उसके छाते में दर्द दे रहा बोलते भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोले डॉक्टर नहीं देख रही डॉक्टर नहीं देख रहे ना सिस्टर नहीं देख रहा कुछ बोल रहे नहीं उठ के डायला बोले तो दर्द चले जाता है उम्र बावीस इतनी छोटी बच्ची को मार दिया उन्होंने फर्स्ट डिलीवरी भैया एक साल हो रहा